हेलो डियर फ्रेंड्स, बायोलॉजी क्लास में जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 11 का डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहे थे और उस डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग चले थे, कहाँ तक याद होगा आपको, शायद पेनक्रियाज तक चले थे कि भाई पेनक्रियाज जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का और इसका एक बेस जो है वो ड्यूओडेनम से लगा रहता है जबकि अदर हिंज जो है वो स्प्लीन को टच करता है। मैंने कहा था ये जो पेनक्रियाज है ये भी एक तरह का जूस रिलीज करता है जिसको पेनक्रियाटिक जूस बोलते हैं और इस पेनक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं चलते हैं हम लोग। तो इस पेनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम होते हैं उसका नाम है ट्रिप्सिन, सेकंड का नाम है काइमोट्रिप्सिन, थर्ड का नाम है कार्बोक्सिक पेप्टाइडेज और इसके बाद पेनक्रियाटिक एमाइलेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज और न्यूक्लियेज। इतने सारे एंजाइम्स होते हैं पेनक्रियाटिक जूस में, हम लोग एक एक करते चलते हैं। सबसे पहले ये ट्रिप्सिन है, ये ट्रिप्सिन एंजाइम एक्चुअली पेनक्रियाटिक जूस में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिप्सिनोजेन और इस ट्रिप्सिनोजेन को जो एंजाइम एक्टिव करता है उसका नाम है इंट्रोकाइनेज एंजाइम। और ये इंट्रोकाइनेज एंजाइम कहाँ होता है तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो ब्रूनर्स ग्लैंड और टिप्स ऑफ लिवर कून है उससे एक तरह का जूस निकलता है जिसे सकस एंटेरिसिकस बोलते हैं यानी इंटेस्टाइनल जूस। तो इस इंटेस्टाइनल जूस में ही ये एंजाइम होता है जिसका नाम है एंट्रोकाइनेज एंजाइम और यही इंट्रोकाइनेज एंजाइम जो है वो ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिव करता है और उसे ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। जब ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है इसका वजह ट्रिप्सिन क्या करता है कि हमारे फूड में जो प्रोटीन्स होते हैं, मैंने पहले बता दिया था आपको कि प्रोटीन को कौन सबसे पहले ब्रेक करता है, पेप्सिन, और पेप्सिन उस प्रोटीन को ब्रेक करके किस में कन्वर्ट करता है तो पेप्टोन्स एंड प्रोटीओजेस में। अब उस पेप्टोन और प्रोटीओजेस को आगे डाइजेस्ट करने का काम, आगे ब्रेक करने का काम जो होगा वो ट्रिप्सिन का होता है। वो ट्रिप्सिन क्या करता है कि उस पेप्टोन्स और प्रोटीओजेस को ब्रेक कर देता है पॉलीपेप्टाइड और एमिनो एसिड में। अब ये ट्रिप्सिन का काम खत्म हुआ। अब हम लोग देखते हैं दूसरा एंजाइम। दूसरा एंजाइम जो है उसका नाम क्या है आपको शायद याद होगा और उसका नाम है आपका कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज भी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और वो उसका इनएक्टिव फॉर्म में जो नाम है वो होता है प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। इस प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को ट्रिप्सिन एंजाइम एक्टिव करता है और तब इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम क्या करता है कि फूड में जो बड़े बड़े पेप्टाइड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको स्मॉल पेप्टाइड्स मॉलिक्यूल में ब्रेक करने का काम करता है। इसके बाद हम लोग चलेंगे पेनक्रियाटिक एमाइलेज। ये पेनक्रियाटिक एमाइलेज जैसा कि आप जानते हैं कि एमाइलेज एंजाइम हमेशा स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है, यहाँ भी ये जो पेनक्रियाटिक एमाइलेज है वो फूड में जो बचे हुए स्टार्च हैं उस बचे हुए स्टार्च को ब्रेक कर देता है माल्टोस में। इस पर हम चलते हैं पेनक्रियाटिक लाइपेज। ये पेनक्रियाटिक लाइपेज जो है वो इमल्सिफाइड फैट आपको याद होगा, इमल्सिफिकेशन तो मैंने पहले बता दिया था कि कन्वर्शन ऑफ लार्ज पीसेस ऑफ फैट इनटू स्मॉल पीसेस, दैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। तो ये जो पेनक्रियाटिक लाइपेज है वो इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक करता है किसमें, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो इस तरह से ये सारे एंजाइम्स हुए। एक और भी एंजाइम इसमें बच गया जिसका नाम है न्यूक्लियेज एंजाइम। ये न्यूक्लियेज एंजाइम क्या करता है कि न्यूक्लिक एसिड को, आप जानते हैं न्यूक्लिक एसिड किसे बोलते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड में आता है डीएनए और आरएनए। तो इस न्यूक्लिक एसिड को ये जो एंजाइम है न्यूक्लियेज एंजाइम वो ब्रेक करता है न्यूक्लियोटाइड में, क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से ही डीएनए बनता है और इसलिए आपको पता होना चाहिए कि डीएनए का एक और नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं इसे। इस तरह से हम लोग देखिए कि पेनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं और किस किस कंपोनेंट का वो डाइजेशन करते हैं। लास्ट में जो हम लोग का ग्लैंड बच गया है उसका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड और मैंने बताया था कि ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ होता है, तो ये ड्यूओडेनम का जो सब म्यूकोसा लेयर होता है उस सब म्यूकोसा लेयर में ही ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ दो बिल्ली के बीच में टिप्स ऑफ लिवर कून, तो ये दोनों एक साथ मिलकर जूस रिलीज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस और इस इंटेस्टाइनल जूस को सकस एंटेरिकस के नाम से भी जाना जाता है। इस सकस एंटेरिकस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, हम लोग देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला एंजाइम है उसका नाम है इंट्रोकाइनेज, जैसे मैंने पहले इसके बारे में बताया था। ये इंट्रोकाइनेज एंजाइम जो है वो ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये इंट्रोकाइनेज एंजाइम ये इसी सकस एंटेरिकस में पाया जाने वाला एंजाइम है। सेकेंड जो है उसका नाम है पेप्टाइडेज एंजाइम।
ये पेप्टाइड एंजाइम क्या करता है कि पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में ब्रेक करता है। जैसे आप जानते हैं कि व्हाट इज एमिनो एसिड, इट इज अ यूनिट ऑफ प्रोटीन। सो वी कैन से जो प्रोटीन है, प्रोटीन के सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म को यूनिट को हम लोग बोलते हैं एमिनो एसिड। तो जब प्रोटीन डाइजेस्ट होता है तो उसको फाइनली एमिनो एसिड में ही ब्रेक होना होता है, लेकिन प्रोटीन एक ही स्टेप में एमिनो एसिड में ब्रेक नहीं होता, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होता है। प्रोटीन सबसे पहले ब्रेक होता है पेप्टोन्स और प्रोटीओजेस में, इसके बाद पेप्टोन्स और प्रोटीओजेस किसी दूसरे एंजाइम के जरिए ब्रेक कर दिया जाता है पॉलीपेप्टाइड और एमिनो एसिड में, और लास्ट में ये पेप्टाइड एंजाइम उस पॉलीपेप्टाइड को फिर से एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है, लेकिन फाइनली प्रोटीन एमिनो एसिड में ही ब्रेक हो जाता है। इसके बाद इसमें और भी एंजाइम्स हैं, जैसे कि सक्रेज, ये सक्रेज एंजाइम का नाम है, और ये सुक्रोज जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है उसको ब्रेक करता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में, मीन्स एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल के मिलने से एक सुक्रोज बनता है, और इस सुक्रोज को जो ब्रेक करता है उस एंजाइम का नाम हो गया सक्रेज। इसका हम लोग देखते हैं ये होता है माल्टेज, ये माल्टेज एंजाइम जो है वो माल्टोज कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है, तो इसमें ग्लूकोज में ये दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के मिलने से एक माल्टोज बनता है। इसके बाद एक और भी एंजाइम है इसमें जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टेज, ये लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को ब्रेक करता है इसमें, तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, मीन्स वन ग्लूकोज और वन गैलेक्टोज मॉलिक्यूल के मिलने से एक लैक्टोज बनता है, और इस लैक्टोज मॉलिक्यूल को जो एंजाइम ब्रेक करता है उसे लैक्टेज कहते हैं। और आप जान लीजिए कि इस शक्कर सिंथेटिकस में भी आपका लाइपेज एंजाइम होता है जो कि एमल्सीफाइड फैट को ब्रेक करता है इसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और लास्ट में न्यूक्लियेज एंजाइम, ये न्यूक्लियेज एंजाइम भी प्रेजेंट होता है शक्कर सिंथेटिकस में, और ये न्यूक्लियेज एंजाइम न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करता है न्यूक्लियोटाइड में। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जो ब्रूनर्स ग्लैंड है और प्लस क्रिप्ट्स ऑफ लिवर खून है, ये दोनों शक्कर सिंथेटिकस रिलीज करते हैं, जिसमें कौन कौन से एंजाइम हैं मैं एक बार फिर से रिवीजन करता हूँ। उसमें सबसे पहला एंट्रोकाइनेज एंजाइम, सेकेंड पेप्टाइडेज एंजाइम, थर्ड सक्रेज एंजाइम, फोर्थ हो गया आपका माल्टेज, इसके बाद लैक्टेज, फिर लाइपेज, और लास्ट में न्यूक्लियेज। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमारे बॉडी में इतने सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियास, ब्रूनर्स ग्लैंड एंड क्रिप्ट्स ऑफ लीवर खून। तो ये हम लोगों का जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है ये समाप्त हुआ, लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको फिर से एक बार बकल कैविटी में ले जाना चाहूँगा। बकल कैविटी में कुछ चीज हम लोगों को जानना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले टंग के बारे में, टंग क्या होता है और क्या चीज किस चीज में वो हेल्प करता है। तो आपको बताना चाहिए कि टंग इज अ वॉलंटरी मसल्स लाइक स्ट्रक्चर, वी कैन से टंग इज अ वॉलंटरी मस्कुलर स्ट्रक्चर। वॉलंटरी मीन्स जो हमारे विल पे डिपेंड करे, हमारी इच्छा पे डिपेंड करे, तो टंग को हम अपने इच्छा अनुसार मोड़ सकते हैं, उससे काम ले सकते हैं। सो इट इज अ वॉलंटरी मस्कुलर स्ट्रक्चर। आपको बताना चाहिए ये टंग जो है वो हमारे बकल कैविटी के फ्लोर पे प्रेजेंट होता है, इसका एक इंड तो फ्लोर से चिपका रहता है, लगा रहता है, लेकिन दूसरा इंड जो है वो फ्री रहता है। ये जो टंग है इसमें दो सरफेस होते हैं, तो उसका जो सुपेरियर सरफेस है उस सुपेरियर सरफेस पे बहुत सारे पेपिली होते हैं, और उस पेपिली में टेस्ट बड्स होता है, और यही टेस्ट बड हमारे फूड में जब हम लोग किसी फूड मटेरियल को लेते हैं अपने मुंह में, तो उसमें जो टेस्ट है उसको रिसीव करता है, और हम लोगों को एक विशेष तरह के टेस्ट का पता चलता है। हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो टंग है, टंग के किस किस पार्ट में किस किस तरह के टेस्ट का फीलिंग हम लोगों को आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ और देख लेंगे। ये सपोज कीजिए ये टंग हुआ, तो टंग में थोड़ा सा टिप बना दूं इसका ठीक से। ये इसमें ये वाला पार्ट जो है वो स्वीट के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद ये वाला पोर्शन जो है ये होता है सॉल्ट के लिए। यहां से यहां तक का पोर्शन जो है वो होता है सॉल्ट, और बाकी जो पोर्शन है इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, ये पूरा पोर्शन कैच करता है बीटर के लिए। तो इस तरह से देखते हैं हम लोग कि हम लोग का जो टंग है वो चार तरह के टेस्ट को पहचान सकता है, स्वीट, सॉल्ट, सॉर एंड बीटर। अब हम लोग चलते हैं
कि भाई ये टंग हेल्प किसमें करता है, तो ये टंग जो है वो खाते समय चबाते समय हमारे फूड को दांतों के बीच में लाने का काम करता है, ये बोलने में हेल्प करता है, और ये हमारे टीथ जो है उसके इंटरनल सरफेस को साफ करने का भी काम करता है। अब थोड़े से हम लोग चलेंगे टीथ के बारे में। ये टीथ जो है वो दो तरह का टीथ है हम लोग के बॉडी में, सॉरी मैं कहूँगा कि हमारे पूरे लाइफ में दो बार टीथ होता है, इसलिए इसे हम लोग डाइक्योडोंट बोलते हैं। इसके बाद क्या है कि हमारे माउथ में टोटल फोर टाइप्स के टीथ होते हैं, और सिंस हमारे मुंह में चार तरह के दांत होते हैं तो उसको हम लोग हेटरोडोंट बोलते हैं। यानी ह्यूमन में कैसा होता है तो हेटरोडोंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें चार तरह के दांत होते हैं। हम लोग डायक्योडोंट हैं क्यों? क्योंकि हमारे लाइफ पूरे लाइफ में दो बार ही टीथ हो सकता है, एक मिल्क टीथ और दूसरा परमानेंट टीथ। अगर परमानेंट टीथ आपका टूट गया तो फिर दोबारा दांत नहीं होगा, और इसको थिकोडोंट भी कहा जाता है। क्यों भाई? क्योंकि ये जो दांत है वो हमारे बक्कल सॉरी ये हमारे जो जॉब है अपर एंड लोअर जॉब उसमें वो डिप्ड रहते हैं, इसलिए इसको थिकोडोंट भी बोलते हैं। इस तरह से ह्यूमन बींग में जो टीथ है वो उसे हम लोग क्या क्या करते हैं, हेट्रोडोंट कर सकते हैं, डाइक्योडोंट कर सकते हैं और थिकोडोंट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा दांत के स्ट्रक्चर के बारे में। हम लोग का जो टीथ है, पहले तो मैं देखता हूँ कि भाई बता देना चाह रहा हूँ कि ये जो टीथ है वो चार तरह के टीथ कौन कौन से होते हैं, और उसका एक डेंटल फार्मूला भी है। तो देखते हैं हम लोग डेंटल फार्मूला के बारे में कि ह्यूमन बींग का जो डेंटल फार्मूला है वो क्या होता है। तो ह्यूमन बींग का डेंटल फार्मूला होता है 2-1-2-3 by 2-1-2-3। कैसे देखते हैं, सपोज कीजिए मैं ये माउथ बना रहा हूँ तो इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इट इज 2-1-2-3 by 2-1-2-3, इधर भी 2-1-2-3 by 2-1-2-3। अब देखिए टोटल अगर आप गिनेंगे तो ये कितना होगा, 32, 32 दांत होंगे, ऊपर में 16 नीचे में 16। अब हम लोग देखते हैं ये जो दांत हैं ये हो तो गए 32 32, लेकिन चार ही तरह के दांत होते हैं। तो कौन कौन से दांत होते देखते हैं। सबसे पहला सामने में ये जो देखते हैं आप 2-2-2-2, ये सब हो गया इंसाइजर, इसे इंसाइजर के नाम से बोला जाना जाता है, इंसाइजर। इसका काम होता है कटिंग, ये काटने का काम करता है। जब भी आप एप्पल या गुआवा खाते हैं तो हमेशा एप्पल गुआवा को सामने से काटते हैं, क्योंकि कटिंग करने का काम आगे का, सामने वाला टोटल 8 टीथ है, ये 2-4-6-8, ये 8 दांत जो है वो कटिंग का काम करता है। इसके बाद उसके बगल में एक एक नुकीला दांत होता है, खास करके कार्निवोरस एनिमल जो है जैसे कि टाइगर हुआ या फिर आप देखें कैट हुआ, डॉग में भी आप देख सकते हैं कि कॉर्नर पे एक लंबा लंबा नुकीला दांत होता है, उसे केनाइन टीथ कहा जाता है। ये देखिए ये चारों का कॉर्नर पे एक एक केनाइन टीथ होता है, केनाइन ये हो गया, ये भी रहने दीजिए, वो देख लीजिए आप केनाइन टीथ, ये इंसाइजर, ये केनाइन। इसके बाद फिर केनाइन के बगल में चारों साइड में दो दो दांत जो होते हैं वो प्री मोलर्स होते हैं। ये देखिए ये और ये हो गए प्री मोलर। और लास्ट का जो साइड में तीन तीन दांत है, ये तीन ये तीन ये तीन और ये तीन, ये होता है मोलर। तो मैं सबका ये फंक्शन बता दे रहा हूँ एक बार। इंसाइजर जैसे बताया कि ये कटिंग का काम करता है, केनाइन जो है वो टियरिंग का काम करता है। आप देखें कि जब भी कोई बाघ या शेर जब भी शिकार पकड़ता है तो हमेशा साइड से मुंह करके वो पकड़ता है, क्योंकि उसके कॉर्नर पे नुकीला दांत होता है, वो उससे क्या करता है कि अपने शिकार जो है उसके मांस को फाड़ने का काम करता है। बाकी जो प्रीमोलर और मोलर है ये ग्राइंडिंग और क्रशिंग का काम करता है, चबाने का पीसने का काम करता है। तो इस तरह से हम लोग देखिए कि हम लोग के मुंह में टोटल चार तरह के दांत होते हैं, जिसका नाम है इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हम लोग देखते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में, टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में। तो जानिए ध्यान से कि टीथ जो है वो उसमें तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्रॉन, जो कि गम यानी मसूरा के ऊपर जो होता है उसको क्रॉन कहा जाता है। उसके बाद दांत का जो भाग गम के अंदर में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं नेक, और जो भाग जबरा में धंसा हुआ रहता है उसको बोलते हैं रूट। तो
तो हम लोग का जो दांत है उसमें तीन पार्ट्स हो गए, क्राउन सबसे ऊपर वाला, मिडिल वाला पोर्शन जो कि गम में, गम के अंदर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं नेक, और जो पार्ट मसूर है सॉरी ये जबड़े के अंदर धंसा हुआ रहता है उसको बोलते हैं हम लोग रूट। अब देखिए ये दांत जो है उसमें सबसे अंदर में एक, ये दांत सॉलिड नहीं होता बल्कि अंदर में एक जगह होता है, खाली जगह होता है, कैविटी होता है जिसको हम लोग पल्प कैविटी के नाम से जानते हैं। उस पल्प कैविटी के ऊपर में डेंटाइन होता है। ये डेंटाइन जो है वो हल्का येलो कलर का होता है, स्लाइटली येलो इस कलर का होता है और इसको बोन से भी ज्यादा हार्ड माना जाता है। इस डेंटाइन के ऊपर में एक लेयर होता है सीमेंटिंग सब्सटेंस, लेकिन ये सीमेंटिंग सब्सटेंस जो है वो पूरे टीथ में नहीं होता बल्कि उसके रूट और नेक वाले रीजन में ही होता है। लेकिन जो क्राउन वाला रीजन है उस क्राउन वाले रीजन में एक अलग से सब्सटेंस होता है व्हाइट कलर का जिसको हम लोग इनामेल बोलते हैं और ये इनामेल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो टीथ है उसमें कौन कौन सा इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा था। तो सबसे अंदर में पल्प कैविटी, पल्प कैविटी के अंदर में आपका ब्लड कैपिलरीज, कनेक्टिव टिश्यू ये सब प्रेजेंट रहते हैं। पल्प कैविटी के ऊपर में डेंटाइन होता है, उस डेंटाइन के ऊपर में एक सीमेंटिंग सब्सटेंस होता है, लेकिन ये सीमेंटिंग सब्सटेंस मात्र रूट और नेक में होता है। जो क्राउन वाला पोर्शन है उसमें इनामेल का लेयर होता है जिसको कि हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी कहा गया, यानी हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो इनामेल होता है जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। अब देख लीजिए ये इंसाइजर और कैनाइन जो है वो सिंगल रूटेड टीथ है, यानी इस इंसाइजर और कैनाइन में सिंगल रूट होता है, जबकि ऊपर वाला जो प्रीमोलर है वो डबल रूट, उसमें दो रूट होते हैं, और नीचे वाला जो प्रीमोलर है उसमें सिर्फ एक रूट होता है। अब मोलर के बारे में चलते हैं। ऊपर वाला जो मोलर टीथ है वो थ्री रूटेड होता है, इसमें तीन रूट होते हैं, और लोअर जॉ में जो मोलर टीथ होता है उसमें दो रूट होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग दांत में अलग अलग रूट होता है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इंसाइजर और कैनाइन में सिंगल रूट होता है। प्री मोलर दो तरह के हो गए, एक अपर जॉ वाले एक नीचे लोअर जॉ वाले। तो अपर जॉ वाले जो प्री मोलर टीथ होते हैं उसमें डबल रूट, दो रूट होता है, और लोअर जॉ वाले प्री मोलर में एक रूट होता है। फिर अपर जॉ वाले जो मोलर टीथ होते हैं उसमें थ्री रूट्स होते हैं, और लोअर जॉ वाले जो मोलर टीथ हैं उसमें टू रूट्स होते हैं। इस तरह से आज हम लोग ये बकल कैविटी के बारे में, मीन्स टंग के बारे में, टीथ के बारे में देख लिए। एक चीज और कि हमारा जो बकल कैविटी है उसमें जब आपने टंग से ऊपर की तरफ टच करेंगे तो आपको छत जैसा फील होगा, मीन्स रूफ। तो ये जो रूफ है उसमें उसे हम लोग पैलेट के नाम से जानते हैं, और ये पैलेट में दो पार्ट होता है। अपर आगे वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, इसे हम लोग बोनी पैलेट बोलते हैं, और जो पीछे वाला जो पार्ट होता है हार्ड पैलेट भी उसको कह सकते हैं आप, और जो पीछे वाला पार्ट है उसको हम लोग सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। एक चीज और कि ये जो हम लोग का माउथ है वो लिप से ढका हुआ रहता है, तो लिप और टीथ दोनों के बीच में भी एक स्पेस है जिसे हम लोग वेस्टिब्यूल के नाम से जानते हैं, और बाकी तो मैंने सारा चीज आपको बता ही दिया है। तो आज का जो क्लास है मैं यही खत्म करता हूँ, और फिर हम लोग अगली बार मिलेंगे जिसमें हम लोग एलिमेंट्री कैनल के बारे में तो मैंने बता ही दिया है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बता दिया है, लेकिन अब एक बार हम लोग चलेंगे कि फूड कब कहाँ जाता है, तो कौन कौन सा जूस आकर उसमें मिलता है, और इसके बाद हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम समाप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।